Hey everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to start current affairs from December 2019. So हमने मई 2019 से नवंबर 2019 के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है. अभी हम दिसंबर से शुरू करेंगे. जैसे कि हमने प्रीवियसली सीरीज किए थे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ऐसे ही हम आगे भी सीरीज को कवर करेंगे. अभी हम जो करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं वो दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक के 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे. और मैंने जो सीरीज अभी शुरू किए हैं वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हैं. इसके खत्म होने के बाद बाकी भी आपको मिलेंगे. और अभी थोड़ा डिले हुआ है इससे पहले, लेकिन अब कोई डिले नहीं होगा. अभी जो है आपको कंटिन्यूसली सारे करंट अफेयर्स कवर करवा दिए जाएंगे. और करंट अफेयर जो मैं कवर करवा रही हूँ, इसके लिए मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसके लिए आपको कोई और ईयरली कंपाइलेशन, कोई मंथली मैगजीन कुछ देखने की जरूरत नहीं है. हमने मई से नवंबर तक कर लिया है, अभी मार्च तक कवर कर लेंगे. हम अप्रैल का अलग से करेंगे, अभी मार्च तक का कवर कर लेंगे. सो अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. और जितना भी मैं करवा रही हूँ आप इतना ही कर लोगे, ये भी सफिशियंट होगा. सो अभी जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज, हम जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में करेंगे, सबसे पहले हम कुछ जो एनिमल्स हैं जिनका IUCN स्टेटस कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कोई इंडेंजर्ड है, किसी ना किसी वजह से वो न्यूज में चल रहे थे, वो सारे हम कवर करेंगे. जो जितने भी ये एनिमल्स हैं इनके ये किसी ना किसी रीजन से न्यूज में थे. कई बार क्या होता है कि रीजन जैसे कि इंपॉर्टेंट नहीं होता कि क्यों न्यूज में थे, लेकिन उसके ऊपर जो है जैसे कि गोबी बियर है जो हम कवर करने जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये किस वजह से न्यूज में था वो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो पूछ सकते हैं वो इसके बारे में पूछ सकते हैं. इसीलिए हम जो है जितने भी ये एनिमल्स हैं जो किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहे हैं उनको कवर करेंगे. सो सबसे पहले है गोबी बियर. गोबी बियर का किसी भी एनिमल का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए IUCN स्टेटस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो इसका जो एक रेड बुक है, वैसे हम कवर कर चुके हैं ये सब कुछ पहले, जब हमने मई 2019 से सीरीज शुरू किए थे एनवायरमेंट के, तब मैंने बताया था. सो ये जो है इसकी ये एक रेड बुक देता है जिसमें ये जितनी भी स्पीशीज होती है उनको अलग अलग कैटेगरी देता है. कुछ कुछ जो है क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जैसे कि कोई जो है कोई एनिमल है वो खत्म होने की कगार पे है तब उसको क्रिटिकली इंडेंजर देंगे, फिर जो नेक्स्ट होगा वो इंडेंजर्ड होगा, फिर वल्नरेबल होगा, इसी तरह करके होगा. तो इसी जो है सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले जो भी न्यूज में रहे हैं 4 मंथ्स में जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सबसे पहले उनको कवर करेंगे. सो गोबी बियर जो है इसका जो है IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. उसके बाद अगर गोबी बियर के बारे में पढ़े तो इसको गोबी बियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोबी डेजर्ट ऑफ मंगोलिया में मिलता है. गोबी डेजर्ट ऑफ मंगोलिया है वहां पे ये पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी गोबी बियर रख दिया गया. सो गोबी बियर नोन इन मंगोलिया, ये इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये आपने याद नहीं करना होता है, पेपर में साइंटिफिक नाम नहीं पूछते हैं. सो गोबी बियर नोन इन मंगोलियन एज अ मजालाई इज अ सब स्पीशीज ऑफ द ब्राउन बियर. तो ये ब्राउन बियर की ही सब स्पीशी है. पॉपुलेशन इंक्लूडेड ओनली अराउंड 30 अडल्ट इन 2009. सो 2009 में जब इनकी सेंसस हुई थी तब पता चला था कि सिर्फ और सिर्फ इनकी पॉपुलेशन 30 अडल्ट है, जिसकी वजह से इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. एंड इज सेपरेटेड बाई इनफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर ब्राउन बियर पॉपुलेशन टू अचीव रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो ऐसा दिखता है गोबी बियर. उसके बाद है बंगाल फ्लोरिकन. बंगाल फ्लोरिकन का IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. और दिस स्पीशीज ऑफ द बर्ड दैट बिलोंग्स टू द बस्टर्ड फैमिली. तो बस्टर्ड के बारे में हमने जो प्रीवियस सीरीज किए थे वहां पे कवर किया था. बस्टर्ड फैमिली से ही आता है ये भी बंगाल फ्लोरिकन जो है. इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशियन सब स्पीशीज हैज श्रंक टू अराउंड 1000 इंडिविजुअल्स. तो इसकी पॉपुलेशन अभी 1000 इंडिविजुअल तक रह गई है. एंड इट्स प्रेजेंट हैबिटेट जो है वो कहाँ कहाँ से है, रिस्ट्रिक्टेड टू तराई एंड द्वार्स ग्रासलैंड्स रीजन ऑफ द इंडो गैंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स. तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं. जब भी आपने कोई एनिमल के बारे में पढ़ना है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसका IUCN स्टेटस पता हो और ये पता हो कि उसकी हैबिटेट क्या क्या है. हैबिटेट में आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है. उससे अलावा कि भी अगर कुछ ना कुछ न्यूज में रहा होगा तो वो चलता रहता है, लेकिन ये दो चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए. सो स्पीशीज है, अगर हम देखें तो स्पीशीज हैज टू डिसजंक्ट पॉपुलेशन. तो इसकी दो टाइप की पॉपुलेशन है,
वन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द अदर इन साउथ ईस्ट एशिया. तो इसकी जो एक स्पीशी है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है, दूसरी साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है. सो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है मेनली वो कहाँ पे मिलती है इंडिया में, वो यूपी में मिलती है, उत्तर प्रदेश, असम एंड अरुणाचल प्रदेश. और उसके बाद जो है, उसके बाद जो कहाँ पे मिलती है, तेराई रीजन ऑफ नेपाल. सो इट्स हैबिटेट्स लो लैंड, इट इनहैबिट्स लो लैंड ड्राई और सीजनली इनंडेटेड नेचुरल एंड सेमी नेचुरल ग्रास लैंड, often interspersed with scattered scrub or patchy open forest. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ जहाँ जिस एरिया में ये खड़ा है वहां पे भी दिख रहा है कि ये थोड़े जो दूसरा एरिया होता है कि जैसे ज्यादा एवरग्रीन में ये नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ सेमी नेचुरल जो ग्रास लैंड है वहां पे पाए जाते हैं. तो फोटो देख के भी आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद भी रख सकते हो. सो इट हैज अ वेरी स्मॉल रैपिडली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. एक तो इनकी पॉपुलेशन पहले ही बहुत कम है, उसके ऊपर और कम हुए जा रही है, लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ इट्स ग्रासलैंड हैबिटेट. सो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा घड़ियाल. घड़ियाल के बारे में हमने जो प्रीवियस सीरीज किए थे वहां पे कंप्लीट कर लिया था, घड़ियाल क्या होता है सब कुछ हमने पढ़ा था. अभी जो इससे रिलेटेड न्यूज है सिर्फ वो कवर करेंगे. IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. इसके रिलेटेड जो न्यूज थी वो ये थी कि 6 months आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड इंडियाज टाइगर स्टेट, MP हैज नाउ सिक्योर्ड द टैग ऑफ बीइंग द कंट्रीज घड़ियाल स्टेट. तो अभी क्या हुआ था कि 6 महीने पहले MP को कहा गया था इंडियाज टाइगर स्टेट, अभी MP को, मध्य प्रदेश को कहा गया है कि ये कंट्रीज घड़ियाल स्टेट है, कंट्री का ये घड़ियाल स्टेट है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, घड़ियाल की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है. अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अ लीडिंग इंडियन नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, MP हाउसेस अ मैक्सिमम 1255 घड़ियाल पॉपुलेशन इन द कंट्री, फॉलोड बाय 255 घड़ियाल इन बिहार. एज पर द WTI सर्वे रिपोर्ट देयर आर 1255 घड़ियाल इन द चंबल रिवर इन MP. तो ये न्यूज घड़ियाल से रिलेटेड है. घड़ियाल के बारे में सारा कुछ हमने प्रीवियस सीरीज में मैंने बताया था कि घड़ियाल कहाँ रहता है, क्या होता है, इसके बारे में सारा कुछ. लेकिन अभी जो न्यूज है न्यूज में, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेट को जो है घड़ियाल स्टेट का टैग मिला है, तो ये MP को मिला है. यहाँ पे न्यूज में ये याद रखना है कि MP को मिला है क्योंकि MP में मैक्सिमम पॉपुलेशन घड़ियाल की है, उसके बाद पॉपुलेशन बिहार में है. दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो MP में इतनी पॉपुलेशन है और बिहार में 255 है, फर्स्ट और सेकेंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. उसके बाद नेक्स्ट है सुमत्रन राइनोसेरस. तो सुमत्रन राइनोसेरस इसका भी IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. सुमत्रन राइनोसेरस इज नाउ एक्सटिंक्ट इन मलेशिया. इससे रिलेटेड ये न्यूज है कि अभी ये मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, वहां पे अभी नहीं पाया जाता, विद द डेथ ऑफ द लास्ट नोन स्पेसिमेन. तो वहां पे मलेशिया में एक इसकी स्पीशी थी लेकिन अब उसकी भी डेथ हो गई है, तो ये मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है. तो इससे रिलेटेड भी आपकी कोई स्टेटमेंट बन सकती है. सुमत्रन राइनोस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द लिविंग राइनोसेरस. तो जिस लाइन को जो मैं डिफरेंट कलर देती हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. यहाँ पे ये है कि जो वैसे तो राइनोस काफी टाइप के होते हैं इंडिया में भी, जैसे वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, तो इसकी अलग अलग स्पीशीज होती है. तो जो सुमत्रा राइनो है ये स्मॉलेस्ट है ऑफ द लिविंग राइनोसेरस. जितने बाकी के राइनोसेरस है उसमें से सबसे छोटे जो है वो सुमत्रन राइनो है. सबसे छोटे हैं, बड़े छोटे ऐसे भी डिफरेंस कई बार पेपर में हो सकता है, लार्जेस्ट या फिर कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन ये स्मॉलेस्ट है, आपने याद रखना है. एंड द ओनली एशियन राइनो विद 2 horns. तो ये एक तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्मॉलेस्ट है ऑफ द लिविंग राइनोसेरस. उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये अकेले एशियन राइनो ऐसे है जिनके 2 horn है. इंडिया में जो पाए जाते हैं 1 horn राइनो पाया जाता है. सुमत्रन राइनोस प्रेफर लोअर एल्टीट्यूड्स. इनके बारे में अगर हम पढ़ें कि क्या इनकी हैबिटेट है, कहाँ रहते हैं, दे प्रेफर लोअर एल्टीट्यूड्स स्पेशली सेकेंडरी फॉरेस्ट वेयर लो ग्रोइंग प्लांट्स आर मोर अबंडेंट. देयर हैबिटेट रेंजेस फ्रॉम लो लैंड स्वैम्प्स टू माउंटेन फॉरेस्ट
but they generally favor forests with thick vegetation. So in the wild, Sumatra rhino live at low densities and are mostly solitary. So इनकी habitation जो है ये swamps में भी पाए जाते हैं, lowland mountain forest में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो ये prefer करते हैं वो है forest with thick vegetation. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रेश वाटर टर्टल. फ्रेश वाटर टर्टल के बारे में भी हमने प्रीवियस सीरीज में कवर किया था, इसलिए जिन जिन के बारे में कवर किया था उसके पिक्स मैंने नहीं लगाए हैं, सिर्फ वो है इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज है. सो फ्रेश वाटर टर्टल का IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. न्यूज इससे रिलेटेड जो थी वो ये है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर for freshwater turtles was inaugurated in Bihar's Bhagalpur Forest Division in January 2020. So January 2020 में बिहार की जो भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पे फ्रेश वाटर टर्टल का रिहैबिलिटेशन जो है ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है. पहला है ऐसा इंडिया में जो है, पहला ऐसा कोई जो है फ्रेश वाटर टर्टल के लिए कोई रिहैबिलिटेशन जो है इनॉग्रेट किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है, बिहार के भागलपुर जो है फॉरेस्ट डिवीजन वहां पे. सो ईस्टर्न बिहार हैज बीन एन आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टर्टल्स. इन भागलपुर द फ्लो ऑफ द वाटर इन गंगा इज एम्पल, क्योंकि यहाँ क्योंकि ये फ्रेश वाटर है तो ये रिवर्स में रहते हैं, तो इसलिए जो भागलपुर से गंगा जाती है रिवर, वहां पे जो पानी का फ्लो है वो काफी ज्यादा है. सो ऑल्सो देर आर मेनी सैंड बैंक इन द मिडल ऑफ द रिवर विच आर आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टर्टल. सो टर्टल जो है जिनके लिए जो ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं सैंड बैंक, वो वहां पे अवेलेबल है गंगा में, जहां पे भागलपुर जो एरिया है वहां पे. सो दीज स्पीशीज आर नाउ अंडर द सीवियर थ्रेट ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस थ्रू डैम्स एंड बैरेजेस, क्योंकि ये रिवर्स में पाए जाते हैं, तो रिवर्स में जैसे डैम बनाना, बैरेज बनाना और भी बहुत ज्यादा जैसे पॉल्यूशन, इलीगल पोचिंग, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि इनको काफी ज्यादा खतरा है. थ्रू फिशिंग नेट्स एंड थ्रेट्स टू देयर नेस्टिंग हैबिटेट्स, अ रिपोर्ट ज्वाइंटली प्रिपेयर्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज सेड. तो इन्होंने कहा है कि इनको ये सारे खतरे हैं. सो द टर्टल हैव कम अंडर सीरियस थ्रेट प्राइमरली फॉर टू रीजन, तो दो रीजन की वजह से, फूड एंड फ्लॉरिशिंग पेट ट्रेड, तो इसकी काफी ज्यादा ट्रेड होती है जिसकी वजह से, और दूसरा है जो फूड की वजह से इसको यूज किया जाता है जो इसको खतरा है. उसके बाद हमने जितने भी क्रिटिकली इंडेंजर थे ना हमने सब कवर कर लिए, एक बार बता देती हूँ साथ साथ में. जैसे जो IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर में एक तो गोबी बियर आता है, दूसरा बंगाल फ्लोरिकन, तीसरा घड़ियाल, फोर्थ आता है सुमात्रन राइनो, फिफ्थ आता है फ्रेश वाटर टर्टल. तो पांच हमने क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज को कवर कर लिया है. अभी हम इंडेंजर के ऊपर पहुंच गए हैं. सो सबसे पहले इंडेंजर में कवर करेंगे कोचिन फॉरेस्ट केन टर्टल. तो ये भी एक टर्टल है, जो हमने पहले कवर किया वो फ्रेश वाटर टर्टल था, लेकिन ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये भी एक टर्टल है. इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है. इंडियन बायोडाइवर्सिटी पोर्टल, इससे रिलेटेड ये न्यूज थी कि जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी पोर्टल है उन्होंने शुरू किया है एक टर्टल स्पॉटिंग वीक एज अ पार्ट ऑफ द यूनिक एक्सरसाइज टू डॉक्यूमेंट द क्रिएचर्स अक्रॉस इंडिया. सो इंडिया में जितने भी कोचिन फॉरेस्ट केन टर्टल पाए जाते हैं, एक यूनिक एक्सरसाइज की शुरू की है पूरे इंडिया में कि उनको डॉक्यूमेंट किया जाए प्रॉपर वे में, पता चले कि कितने हैं, तो इसीलिए उससे रिलेटेड न्यूज थी. सो कोचिन फॉरेस्ट केन टर्टल एंडेमिक टू सेमी एवरग्रीन एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन साउथ वेस्टर्न इंडिया. तो साउथ वेस्टर्न इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में ये पाए जाते हैं, एंडेमिक है ये वहां पे. एंडेमिक ये होता है कि जो एनिमल जो है जो वहीं का होता है, वहीं पे पैदा होता है, कहीं और से उसको इंट्रोड्यूस किसी एरिया में नहीं किया जाता है, वो वहीं का होता है. तो ये एंडेमिक है टू वेस्टर्न घाट्स. इट इज द स्मॉलेस्ट टर्टल स्पीशीज इन इंडिया. तो इंडिया में और भी जैसे के टर्टल की स्पीशीज है, उनमें सबसे छोटा कोचिन फॉरेस्ट केन टर्टल है, तो ये स्मॉलेस्ट है. इट इज ओमनिवोरस. ओमनिवोरस वो होते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं, जो के वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं. सो विद द डाइट इंक्लूडिंग जैसे इंसेक्ट्स, मॉलुक्स, अर्थवॉर्म्स, मिलीपेड्स, फ्रूट्स, तो ये सब कुछ खाते हैं क्योंकि ये ओमनिवोरस होते हैं. सो द टर्टल दैट वाज डिस्कवर्ड, ये वाला जो टर्टल है इसको डिस्कवर किया गया था इन 1912 एंड वाज अगेन स्पॉटेड ओनली इन 1982, इज एक्सट्रीमली रेयर एंड कैन नॉट बी इजिली स्पॉटेड. तो ये काफी ज्यादा रेयर है, इसको जो है काफी इजिली स्पॉट जो है नहीं किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है इंडेंजर्ड में
पर्शियन लेपर्ड, पर्शियन लेपर्ड का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। द पर्शियन लेपर्ड ऑल्सो नोन एज कॉकेजियन लेपर्ड, तो जो पर्शियन लेपर्ड है उसको कॉकेजियन लेपर्ड भी कहा जाता है। इट इज अ लेपर्ड पॉपुलेशन इन कॉकेसस, ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? कॉकेसस, ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो उसके बाद जो है द पर्शियन लेपर्ड इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट एज द पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट फ्यूर देन 871,1290 मेच्योर इंडिविजुअल्स एंड कंसीडर डिक्लाइनिंग। तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है और जितनी भी कम है वो भी और कम हो रही है। उसके बाद इंडेंजर्ड में है इंडियन पेंगोलियन। जितने भी मैं स्पीशीज कवर करवा रही हूँ ना, सारे ही कभी ना कभी न्यूज में रहे हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, सारे के सारे कवर आपने करने हैं। सो पेंगोलियन, इंडियन पेंगोलियन का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। द इंडियन पेंगोलियन थिक टेल्ड पेंगोलियन, ये इसका पिक है, इस तरह का कुछ ये दिखता है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, तो ये इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है एक्सेप्ट एरिड रीजन। तो ये एरिड रीजन जो होते हैं वहां पे नहीं पाया जाता है, लेकिन बाकी पूरे इंडिया में ज्यादातर पाया जाता है, जैसे कि हाई हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्ट में ये पाया जाता है ज्यादातर। सो द स्पीशीज इज ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। तो हमारे आसपास के नेबरिंग जो कंट्रीज है वहां पे भी पाया जाता है। इंडिया में ये अरिड रीजन में नहीं पाया जाता, बाकी हिमालयस और नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। सो इट इज नॉट कॉमन एनीवेयर इन इट्स रेंज लाइक अदर पेंगोलियंस। इट हैज लार्ज ओवरलैपिंग स्केल्स ऑन इट्स बॉडी विच एक्ट एज अ आर्मर। तो ये स्केल्स जैसे कि इसकी बॉडी के ऊपर है। इट कैन ऑल्सो कर्ल इट्सेल्फ इनटू अ बॉल, यहाँ पे लिखा है कि इट कैन कर्ल इट्सेल्फ इनटू अ बॉल एज सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स सच एज टाइगर। सो द कलर ऑफ इट्स स्केल्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द अर्थ इन इट्स सराउंडिंग्स। सो इट इज इंसेक्टिवोरस, तो ये क्या है? इंसेक्टिवोरस है, ये इंसेक्ट होते हैं उनके ऊपर फीड करता है। इट इज नॉक्टर्नल एंड रेस्ट इन डीप बुरोज ड्यूरिंग द डे। तो ये इसके बारे में हो गया सारा कुछ। नेक्स्ट है हमारा इरावडी डॉल्फिन। तो इरावडी डॉल्फिन जो है इनका क्रिटिकल जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। तो इरावडी डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो ये ऐसी दिखती है। डॉल्फिन की और भी जो है प्रजातियां हैं बहुत सारी। तो डॉल्फिन में ये है कि ऑफ द सिक्स वराइटीज ऑफ द डॉल्फिन, तो डॉल्फिन की नॉर्मली सिक्स जो है वराइटीज है, उसमें से क्या है? दैट आर फाउंड इन इंडियाज रिवर लेक्स एंड अराउंड कोस्ट लाइन। द इरावडी डॉल्फिन आर अमंग द लोएस्ट इन नंबर। इंडिया में जो डॉल्फिन की जो है स्पीशीज पाए जाते हैं वो सिक्स वराइटीज है, उनमें से जो इरावडी डॉल्फिन है वो लोएस्ट इन नंबर है। बाकी जो है उनके नंबर ज्यादा है, लेकिन जो इरावडी डॉल्फिन है उसका नंबर सबसे कम है। सो द गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन आर फ्रेश वाटर स्पीशीज। जो अगर हम गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करें वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, लेकिन अगर हम उसके बाद फाउंड इन सबर्बन रिवर सिस्टम एंड सुंदरबन रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, अगर हम इरावडी डॉल्फिन की बात करें तो ये ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है जो कि खारा पानी होता है, एंड दैट टू इन चिल्का लेक। जैसे कि चिल्का लेक जो है इंडिया की ब्रैकिश वाटर जो है, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर होता है, तो ये वहां पे पाई जाती है। अगर गैंजेटिक डॉल्फिन की बात करें तो वो रिवर जो फ्रेश वाटर है वहां पे पाई जाती है। इरावडी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे ब्रैकिश वाटर है। सो इट इज फाउंड इन कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ओवरऑल ये कहाँ मिलती है? साउथ में मिलती है, वो भी कोस्टल एरियाज में, क्योंकि ये ब्रैकिश वाटर में रहती है, तो ये कोस्टल एरियाज में मिलती है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया में ये चिल्का लेक में काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा मतलब इनका जो नंबर है वहां पे है, एटलीस्ट 146 इंडेंजर्ड इरावडी डॉल्फिन वर साइटेड इन ओडिशा चिल्का लेक ड्यूरिंग द एनुअल डॉल्फिन सेंसस कंडक्टेड बाय स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जो उड़ीसा स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सेंसस यहाँ पे कंडक्ट करवाई थी, तो चिल्का लेक जो है एक ही जगह पे अराउंड 146 इसके जो है स्पीशीज वहां पे मिले थे। सो इरावडी डॉल्फिन इज अ फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ चिल्का लेक। चिल्का इज अ होम टू द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ इरावडी डॉल्फिन इन इंडिया। सो इंडिया में अगर इरावडी डॉल्फिन कहीं मिलती है तो वो चिल्का लेक में ही मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वाला। क्वाला जो है ये रहा क्वाला। क्वाला जो है काफी क्यूट से दिखने वाले एनिमल्स होते हैं
और इसमें ये इसलिए न्यूज में थे, सबको शायद वैसे भी पता होगा कि जो जो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर जो हुई थी, इंसिडेंट वहां पे बढ़ा, तब इनकी काफी ज्यादा मात्रा में ये खत्म हो गए थे वहां पे। सो इनका आईयूसीएन स्टेटस नॉर्मली तो वल्नरेबल था, ये सब होने से पहले इनका वल्नरेबल था। सो क्वाला इज एन एर्बोरियल मार्सोपियल, तो मार्सोपियल वो होते हैं जो कि मार्सोपियल इज बोर्न इन अ वेरी इनकम्प्लीट स्टेट, तो जब ये पैदा होते हैं बहुत ही इनकम्प्लीट स्टेट में होते हैं, जैसे कि दे आर माइन्यूट, छोटे होते हैं, हेयरलेस होते हैं एंड विद हिंड लिम्स ओनली पार्शली फॉर्म्ड। सो अराउंड, अगर हम उसके बाद देखें, अराउंड 2/3 ऑफ देम लिव इन ऑस्ट्रेलिया, द अदर 1/3 लिव मोस्टली साउथ अमेरिका। तो ये मिलते कहाँ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ज्यादातर, 2/3 तो ऑस्ट्रेलिया में ही है, बाकी जो एक बचा हुआ हिस्सा है वो साउथ अमेरिका में मिलते हैं। सो दे आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट है कि एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया है। दे आर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस वो होते हैं जो पेड़ पौधे ही खाते हैं, वेजिटेरियन जो बेसिकली हम कह सकते हैं होते हैं। सो दैट इनको थ्रेट क्या क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड सीवियर वेदर जैसे कि ड्रॉट, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो न्यूज में ये इसलिए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है, जब यहाँ पे बुश फायर हुई थी, बहुत ज्यादा जो है इनके नंबर जो है ये खत्म हो गए थे, बहुत ज्यादा बड़ी नंबर में खत्म हो गए थे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा गया कि ऑस्ट्रेलियन क्वालास आर टू बी पुट अंडर इंडेंजर्ड फ्रॉम वल्नरेबल। तो ये कहा गया था कि वल्नरेबल पहले ये थी क्योंकि इनके 30% ऑफ देयर हैबिटेट वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, तो इसलिए कहा गया था कि इसको वल्नरेबल कैटेगरी से निकाल के इंडेंजर्ड जो कैटेगरी है वहां पे इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड $50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इमरजेंसी फंड टू सेव द वाइल्ड लाइफ अफेक्टेड ड्यू टू द फायर्स। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने जो है वल्नरेबल स्टार्ट कर लिया, इंडेंजर्ड एक बार कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से इंडेंजर्ड थे। इंडेंजर्ड में हमने पहला कवर किया कोचिन फॉरेस्ट केन टर्टल, दूसरा किया पर्शियन लेपर्ड, थर्ड किया हमने इंडियन पेंगोलियन, फोर्थ किया हमने इरावडी डॉल्फिन। तो 4 इंडेंजर्ड है। उसके बाद हम वल्नरेबल पे आ गए, 5 हमने क्रिटिकली इंडेंजर्ड किए, 4 हमने इंडेंजर्ड किए। अभी वल्नरेबल स्टार्ट है तो इसमें हमने क्वाला को कर लिया है। उसके बाद वल्नरेबल में आता है इंडियन स्किमर। सो इंडियन स्किमर ऐसा दिखता है कुछ, ये एक वाटर बर्ड स्पीशी है, तो ये वाटर बर्ड स्पीशी है। उसके बाद जो है, इन इंडिया स्पीशीज कैन बी साइटेड नियर चंबल रिवर इन सेंट्रल इंडिया, इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द उड़ीसा एंड इन आंध्र प्रदेश। तो अगर इंडियन स्किमर की बात करें, आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है, ये एक वाटर बर्ड स्पीशी है और इंडिया में जो है ये चंबल रिवर, जो सेंट्रल इंडिया में चंबल रिवर है वहां पे देखे जाते हैं, कुछ जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी देखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उरियल। उरियल जो है इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। दे आर वाइल्ड शीप, तो ये क्या होते हैं, वाइल्ड शीप होते हैं, ऐसे दिखते हैं कुछ। द उरियल इज फाउंड इन वेस्टर्न सेंट्रल एशिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न ईरान एंड वेस्टर्न कजाकिस्तान टू पाकिस्तान से बलोचिस्तान एंड चित्रल एंड इन लद्दाख इंडिया। तो ये वाले एरियाज हैं जहां पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बंगाल स्लो लोरिस। तो बंगाल स्लो लोरिस का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। ये ऐसे दिखते हैं जिनकी आईज थोड़े से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज फाउंड इन बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश में मिलते हैं, कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इंडिया नाम इनका बंगाल स्लो लोरीज है तो इंडिया में भी है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश और हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वहां पे पाए जाते हैं। उसके बाद जो है व्हाइट राइनोसेरस। तो हमने वल्नरेबल में क्या क्या कवर किया, वल्नरेबल में एक तो हमने क्वाला किया, दूसरा हमने इंडियन स्किमर किया, थर्ड उरियल किया, फोर्थ हमने बंगाल स्लो लोरिस, 4 हमने वल्नरेबल में कवर कर लिए। उसके बाद आता है व्हाइट राइनोसेरस। तो व्हाइट राइनोसेरस कुछ ऐसे दिखते हैं जो कि कंप्लीट व्हाइट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनको व्हाइट राइनोसोरस कहा जाता है। इनका आईयूसीएन स्टेटस वैसे तो नियर थ्रेटेंड है, लेकिन इसकी दो स्पीशीज है, एक तो होता है नॉर्दर्न व्हाइट राइनो और साउथर्न व्हाइट राइनो। सो जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो अगर स्पेसिफिकली पूछे तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साउथर्न व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है। अगर ओवरऑल राइनो के बारे में बात करें, स्टेटस इनका व्हाइट राइनो की हम बात करें तो ये नियर थ्रेटेंड है। तो कंफ्यूज नहीं होना, व्हाइट राइनो का आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। इसकी सब स्पीशीज होती है, एक नॉर्थर्न होता है, एक साउथर्न होता है। नॉर्थर्न में क्या है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि सिर्फ 2 स्पीशीज इसके बचे हैं। साउथर्न राइनो जो है व्हाइट राइनो वो नियर थ्रेटेंड है क्योंकि उसके थोड़े बहुत स्पीशीज अभी है।
इट इज फाउंड ओनली इन अफ्रीका. ओनली इन अफ्रीका मतलब है ये और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में ही मिलेंगे. सो द व्हाइट राइनोसोरस और स्क्वायर लिप्ड राइनोसोरस इज द लार्जेस्ट एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ द राइनो. It has a wide mouth used for grazing and is most social of all rhino species. तो ये क्या है, largest है अपनी species में से. उसके बाद है white rhinoceros consists of two subspecies, जो हमने कहा कि southern white rhinoceros है और उनका जो number है वो थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि estimated 19,682 से लेकर 21,077 तक है इनके वाइल्ड एनिमल्स, जो कि 2015 की सेंसस के अकॉर्डिंग है. और उसके बाद जो है मच रेयर नॉर्दर्न वाइट राइनो, जो कि दो ही बचे हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नियर थ्रेटेंड में एम्परर पेंगुइन्स. सो एम्परर पेंगुइन्स का IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है. द एम्परर पेंगुइन इज द टॉलेस्ट एंड हैवीएस्ट. तो ये पॉइंट है कि ये टॉलेस्ट एंड हैवीएस्ट है ऑफ ऑल लिविंग पेंगुइन स्पीशीज एंड इज एंडेमिक टू अंटार्कटिका. तो पेंगुइन्स की और भी बहुत सारे स्पीशीज हैं, उनमें जो है सबसे ज्यादा लंबे और हैवीएस्ट जो होते हैं वो एम्परर पेंगुइन है और दे आर एंडेमिक टू अंटार्कटिका. सो इट इज द ओनली पेंगुइन स्पीशीज दैट ब्रीड्स ड्यूरिंग द अंटार्कटिक विंटर. सो डिसअपीयरिंग सी आइस इंपैक्ट्स एम्परर पेंगुइन्स डायरेक्टली एज एनिमल्स यूज इट एज अ होम बेस फॉर देयर 9 month ब्रीडिंग सीजन एंड फॉर फीडिंग एंड मॉल्टिंग. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नियर थ्रेटेंड में हमने दो कवर किए, व्हाइट राइनो को कवर किया और एम्परर पेंगुइन को कवर किया. उसके बाद आते हैं लीस्ट कंसर्न. तो लीस्ट कंसर्न में सबसे पहले आता है हमारा बार हेडेड गूस. तो बार हेडेड गूस का IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है. बार हेडेड गूस हैज बीन स्पॉटेड इन, इससे रिलेटेड ये न्यूज थी कि इसको स्पॉट किया गया था इन द वेटलैंड्स ऑफ द करिंगली पुंचा इन पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वेटलैंड्स ऑफ करिंगली पुंचा जो है केरला की है, वहां पे इसको स्पॉट किया गया था, ये न्यूज में था. सो इन जनरल जो लार्ज फ्लॉक्स होते हैं, इनके झुंड होते हैं, विजिट करते हैं कुंथन कुलम बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु की जो कुंथन कुलम बर्ड सेंचुरी है वहां पे ये झुंड में आते हैं. इट इज वेरी रेयर दैट द बर्ड इज स्पॉटेड इन केरला. तो ये पहली बार ऐसे बहुत ही रेयर कह सकते हैं कि स्पॉट किया गया इसको केरला में भी. द वेटलैंड्स ऑफ द करिंगली पुंजा इज अ मेजर बर्डिंग स्पॉट इन द डिस्ट्रिक्ट. इट रिपोर्टेड द हाइएस्ट बर्ड काउंट इन एशियन वॉटर बर्ड सेंसस ऑफ 2015. सो इनके बारे में अगर हम बात करें, दे आर वन ऑफ द बर्ड्स विच कैन फ्लाई इवन एट वेरी हाई एल्टीट्यूड. तो ये बहुत हाई एल्टीट्यूड तक उड़ सकते हैं. द बार हेडेड गूस इज अ गूस दैट ब्रीड इन सेंट्रल एशिया. तो ये क्या है कि नॉर्मली तो ये सेंट्रल एशिया में ब्रीड करते हैं इन कॉलोनीज ऑफ थाउजेंड्स नियर माउंटेन लेक्स एंड विंटर इन साउथ एशिया एज फार एज पेनिनसुलर इंडिया. तो ये ब्रीड कहाँ करते हैं, सेंट्रल एशिया में करते हैं. फिर ये झुंड बना के जो है विंटर में क्या करते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया तक साउथ एशिया में आ जाते हैं. और इंडिया में जैसे पेनिनसुलर इंडिया तक तमिलनाडु और केरला में भी अभी तो इनको स्पॉट किया गया है, वहां तक आ जाते हैं. उसके बाद जो है न्यू सिग्नल फिश काफी ज्यादा न्यूज में थी, डिस्कवर्ड ऑफ कोस्ट केरला. तो केरला के आसपास ही, केरला के कोस्ट के किनारे के वहां पे आसपास ये मिली है. इसको जो है कहा गया है कॉल्ड पटेरो सैरन इंडिकम. तो ये इसका नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है कि इट इज द फर्स्ट वन ऑफ द जीन्स रिकॉर्डेड इन इंडियन वाटर्स. तो इस जीन का ये की जो ये फिश है ये पहली बार जो है इंडियन वाटर्स में इसको रिकॉर्ड किया गया है, इसीलिए इसका नाम भी इंडिया से ही रख लिया गया है, पटेरोप्सेरन इंडिकम. तो ये इंडिया का ही नाम इसे दे दिया गया है. द डीप वाटर ऑफ द लक्षद्वीप सी ऑफ द केरला कोस्ट आर होम टू एन अनयूजुअल स्पीशीज ऑफ फिश विद यूनिक कलर पैटर्न्स एंड एन इंटरेस्टिंग बिहेवियर दैट अलाउज इट टू कम्युनिकेट विद अदर्स ऑफ द सेम स्पीशीज बाय फ्लिपिंग इट्स हाईली स्पेशलाइज्ड डॉर्सल फिन्स. तो ये है न्यू सिग्नल फिश जिसको नाम इंडिया का दिया गया है, क्योंकि ये इंडिया में जो है केरला के आसपास जो पानी है, ओशियन है, वहां पे ये मिली है. उसके बाद नेक्स्ट है थाई मंगूर फिश. थाई मंगूर फिश भी काफी न्यूज में थी, क्योंकि इसका जो ब्रीडिंग सेंटर्स है वहां पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उसे बंद कराने की, डिस्ट्रॉय करने की बात कही है. इसलिए कहा गया है कि बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में इसको ब्रीड किया जा रहा था और ये जो थाई मंगूर फिश है जो हमारे लोकल फिशेज है उन स्पीशीज के लिए खतरा है.
इसलिए ये काफी न्यूज में थी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। थाई मंगूर फिश वॉज बैंड बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन 2000। द प्रेजेंस ऑफ थाई मंगूर इन एनी वाटर बॉडी डिस्ट्रॉयज इट्स इकोलॉजिकल बैलेंस। थाई मंगूर इज अ कैनिबल स्पीशीज दैट इम्पैक्ट्स द इंडिजीनियस बायोडाइवर्सिटी, जो कि मैंने अभी कहा कि जो हमारी इंडिजीनियस बायोडाइवर्सिटी उसको इम्पैक्ट करती है, एंड इन टर्न रिड्यूसेस द फूड बेस फॉर वाटर बर्ड्स। सो द इंडियन मंगूर डज नॉट एंगेज इन कैनिबलिज्म लाइक द थाई मंगूर। थाई मंगूर आर फेड रॉटन मीट विद स्पिनच विच पल्यूट्स द वाटर बॉडीज। थाई मंगूर कैरीज डिजीजेस लाइक आर्बुलोसिस, कॉमनली नोन एज फिश लाइस। थाई मंगूर इज ऑल्सो बिलीव टू बी कार्सिनोजेनिक, के इससे जो है कैंसर तक हो सकता है। तो ये सारी वजह से इसके जो ब्रीडिंग सेंटर्स है उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात कही है। सो आज के लिए हमारे जितने भी जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो भी इंडेंजर स्पीशीज, जो भी न्यूज में चल रहे थे 3-4 मंथ्स में, हमने सारे कवर कर लिए हैं। बाकी जो है उसके बाद बाकी जो भी इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के न्यूज है उसको आने वाले सारे सीरीज में हम कवर कर लेंगे, आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। सो आपको पूरे पूरे लेक्चर्स, जो भी अभी मेरी बात सुन रहे हैं, इट मीन्स आपने पूरा लेक्चर देखा है, तो अच्छी बात है, आप पूरा देख लें। आपके लिए यही एडवांटेज है कि आपके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरे वीडियोस और पीडीएफ देख लेते हो तो करंट अफेयर्स के लिए एटलीस्ट आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो अच्छे से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।